अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं दिली मरहबा किचन की जानिब से शेफ़ इस्लामुद्दीन आपसे मुखातिब हूँ। और आज हम आपके लिए एक नई रेसिपी, और मतलब आप सब जानते हैं ये है चिकन हांडी, और मैं इंशाल्लाह आज बताता हूँ, बना के दिखाऊँगा आपको, और इंशाल्लाह आपको सबसे मुख्तलिफ ही होगी, लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको वो चीज़ें दूँ कि जो बिल्कुल ओरिजिनल टाइप पे हो। तो उसी लिहाज से मैं आज चलता हूँ, आपको अभी अपनी इंग्रेडिएंट दिखाता हूँ और उसके बाद आपको बनाना बताऊँगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की जो रेसिपी है वो है चिकन हांडी, चिकन वाइट हांडी। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये देखें, मैंने आधा किलो चिकन लिया है जो कि बोनलेस है। उसके बाद मैंने ये देखें, ये दो प्याज लिए हैं जिनको मैंने बॉयल किया है, और बॉयल करने के बाद इसको ग्राइंड किया है। उसके साथ ये नमक है हमारे पास, ये है तकरीबन हाफ टेबल स्पून। और उसके साथ ये मलाई है, ये है तकरीबन चार टेबल स्पून। इसके साथ ये हमारे पास ग्रीन चिल्ली है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है स्पाइसी ज़्यादा खाया जाता है, तो इसको मैंने कूट के रखा है थोड़ा सा। तो ये भी आपको बता दूँ, ये तकरीबन एक टेबल स्पून। और साथ ही ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये एक टेबल स्पून। ये तकरीबन 8 से 10 काली मिर्चें जो गार्निश के काम आएंगी। और ये इसके साथ है वाइट पेपर, यानी कि ये दखनी मिर्च, उसका पाउडर होता है। और ये हमारे पास है तकरीबन आधा एक कप दही, और इसी के साथ ये मक्खन है। और अब मैं चलता हूँ बनाने की तरफ, तो आपको दिखाते हुए आप, जैसे कि नाज़रीन मैंने आपको बताया इंग्रेडिएंट्स की सारी बताई है, तो अब मैं आपको ये एक बात और बता देता हूँ कि आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको मक्खन में बना रहा हूँ। तो आप ये देखें कि अब इसमें सबसे पहले मैं हांडी में जो डालूंगा वो है मेरा मक्खन। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हांडी ज़रा गर्म होने में देर लेती है, तो इसलिए मैंने हांडी को पहले ही चूल्हे पर रख कर थोड़ा सा गर्म किया है, ताकि ये जल्दी मेरा प्रोसीजर पूरा हो जाए। ये देखें, ये मैंने मक्खन इसमें डाल दिया है, और ये थोड़ा सा ज़रा मक्खन नरम होगा और ज़रा वो सेट हो जाएगा, तो उसके साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगा, और फिर उसके बाद आपको बताते जाऊंगा और चलते जाएगा। ये देखें, मैंने हांडी गर्म कर रखी, तो इसलिए मक्खन जो है जल्दी गर्म हो गया। अगर मैं इसको ठंडे में डालता तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखें, ये मक्खन मेरा होता जा रहा है। ये देखें, मक्खन मेरा हो चुका है। और अब मैं इसमें ये एक चम्मच जो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है वो ये डाला है। ये मैंने देखें आप कि अब ये हल्का सा भुन जाएगा, ज़्यादा भी इसको ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है कि थोड़ा ये भुन जाए, पानी इसका ज़रा खुश्क हो जाए। और पानी जैसे ही खुश्क होगा उसके साथ ही मैं इसमें आपको दिखाता जाऊँगा कि क्या क्या डालना है। सामिन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये देखें कि अब ये अपने उस पर हो गया। अब मैं इसमें क्या करूँगा कि इसमें चिकन जो मैंने पहले से धो के सब रखा हुआ है, ये देखें ये मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसको थोड़ा चला के इसको ज़रा सेट करूँगा। जब ये ज़रा सा वो हो जाएगा, भुन जाएगा, हल्का सा ये पकने पे आ जाएगा, तो फिर उसके बाद इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करता जाऊँगा और आपको दिखाता रहूँगा। इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे और खाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। घर वालों को खिलाएं तो आप देखिएगा कि आपको बाहर से जो हांडी है आप खाते हैं उससे अच्छा ही आपको इंशाल्लाह ये मिलेगा। जी सामिन, अभी आप देख रहे हैं कि देखें ये अच्छा सा हो गया, काफ़ी बेहतर हो गया। अब ये इसका पानी खुशक होता जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। ये देखें, बटर भी हमारा ये ऊपर आना शुरू हो गया, इसके साथ ये पानी भी खुशक होना शुरू हो गया। ये थोड़ा पानी खुशक भी हो रहा है, उसके साथ ही मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये हम हरी मिर्च इसके नहीं है, लेकिन हम लोग क्योंकि स्पाइसी खाते हैं तो अब इतना वाइट पेपर नहीं डाल सकते, तो उससे बेहतर है कि ये थोड़ा सा हमने इसमें हरी मिर्ची एक चम्मच ली है ताकि डाल दें। तो इस हरी मिर्ची से ये फ़ायदा होगा कि ये आपका स्पाइसीपन जो है ना वो आ जाएगा। बाकी इसकी रेसिपी में जो ओरिजिनल रेसिपी है उसमें ये शामिल नहीं है हरी मिर्ची, लेकिन मैंने एक चम्मच कूटा है क्योंकि बाद में मैंने खाना भी है इसको, तो ये नहीं ना कि आपको दिखाने के लिए, इसलिए मैं आपको बताता जाता हूँ ये चीज़ें कि आपको दिखाना ही नहीं है, मैंने खुद भी खाना है। तो खाने के लिए लाजमी बात है मैं अपने स्पाइसी के हिसाब से मैं करूँगा। और ये देखें, ये अब नमक है, ये जो मैंने आपको बताया था कि हाफ स्पून है, टेबल स्पून,
तो ये इसमें ऐड कर दूंगा। ये देखें, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और अभी और चीज़ें ऐड करता जाऊंगा और आपको साथ के साथ दिखाता रहूंगा। नाज़िम, जैसा कि आपने आपको मैंने बताया था कि प्याज मैंने बॉयल की है, और बॉयल करने के बाद इसको पीसी दो प्याज से दरमियाने साइज़ के, और इसको मैंने बॉयल करके और मैंने इसको रखा हुआ था। तो अब ये देखें कि ये इसमें मैं ऐड करूँगा, ये देखें पक रहा है, ठीक है। अब ये इसमें जब डाल दूँगा, थोड़ा सा प्याज जो है वो भुनेगा, और उसके बाद मैं इसमें इंशाल्लाह तैयारी करता जाऊँगा। ये देखें आप कितना, इसका लुक देखें आप कितना प्यारा आ रहा है, और खुशबू भी, अगर आप यहाँ होते तो आपको खुशबू भी महसूस होती, इसकी बहुत प्यारी महक होती है, क्योंकि ये मक्खन में बनाया जाता है, और ज़्यादातर कोशिश करें कि मक्खन में बनाए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घी में और तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन हांडी नहीं है तो आप इसको पतीली में बना लें, सॉस पैन में बना लें, जिसमें आप चाहें वो बना सकते हैं। ये हांडी मेरे पास मौजूद है, तो इसलिए मैं आपको हांडी उसमें बिल्कुल उसी तरीके से बना रहा हूँ कि जिस चीज़ में है तो उसका नाम भी वही हो, तो उसी चीज़ में वो बने भी। तो नाज़िम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पक रहा है, और इसके पकने के दौरान में ही मैंने इसमें वाइट पेपर, ये देखें, ये दखनी मिर्च का पाउडर जो है ये मैंने इसमें डाल दिया, ये आधा चम्मच है, क्योंकि स्पाइसी करना है, उसकी वजह से कि आजकल रमज़ान है, आपको पता है कि सहरी में खाना भी है, सहरी में या अफ्तार में, तो ये स्पाइसी होगा तो खाया जाएगा। और दूसरी बात एक और आपको बताते चलूँ, वो ये है कि ये प्याज मैंने जो डाली है वो सिर्फ इसलिए कि इसके साथ हमने रोटी खा ली है, और आप इससे कम भी प्याज ले सकते हैं, आधी भी ले सकते हैं, एक प्याज भी ले सकते हैं, उसके अलावा ना भी डालें तो ये जो रेस्टोरेंट वगैरह पे मिलती है वहाँ प्याज डलती है, लेकिन इतनी नहीं डलती जितनी मैंने डाली है। और वो डालने की वजह यह है कि इस वक्त मुझे, क्योंकि खाना खाना है तो, और वो रोटी के साथ ही खाना है, तो उसके लिए ये ग्रेवी मेरी हो जाएगी। आप ये देख रहे हैं कि अब रेडी के मरहले पे अभी नहीं आया है अभी, क्योंकि इसमें दही डाला जाएगा। तो ये हमारी तहसीन सलाम साहिबा हैं, उनकी बहुत दिन से फरमाइश थी मेरे पास, और उसके अलावा एक और दोस्त है मेरे, उनका नाम मैं इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, लेकिन वो इंशाल्लाह सुनेंगे तो वो खुद कहेंगे कि हाँ ये मेरी फरमाइश है। तो उनकी फरमाइश भी थी कि मुझे हांडी बना के दिखाएं, तो इंशाल्लाह आज मैंने ये फरमाइश उनकी पूरी कर दी है। अभी और बहुत सारी फरमाइशें हैं जो कि आप लोगों की मेरे पास मौजूद है, लेकिन मजबूरी यह है कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ आती रहेगी, आप देखते रहेंगे अगर। और ये देखें, अब मैंने इसमें जो है ना, ये देखें, ये दही है जो मैंने आपको बताया था कि ये एक कप दही है जो मैंने लिया है, वो इसमें डालूंगा। तो ये अब इसमें डाल के इसी के साथ इसको पकाता रहूँगा ताकि इसका पानी जो है वो ख़त्म होता जाएगा। ये देखें, ये एक कप दही मैंने डाल दिया है, और ये थोड़ा सा अब इसका पानी खुश्क होगा, उसके बाद और चीज़ जो है वो मैं डाल के आपको सर्व करके भी दिखाऊंगा, हर चीज़ करके दिखाऊंगा किस तरह है, इसकी गार्निश क्या है, वो सारी चीज़ें आपको बताता जाऊंगा। ये देखें, अब इसका कलर देखें आप, वाइट कितना प्यारा हो रहा है। सिर्फ ग्रीन चिल्ली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रीन चिल्ली जो मैंने डाली है वो सिर्फ टेस्ट के लिए, कि ताकि हम लोग, क्योंकि मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो उसके लिहाज से इसमें डाली गई है, अगर आप ना डालें तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्ज़ी पर। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मैंने आपको बता दिया कि चार चम्मच मैंने इसमें क्रीम डालनी है, और ये देखें कि ये चार चम्मच मैंने इसमें जो मैंने लिए हैं वो ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, और ये ऐड करने के बाद इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आप लोगों से भूल गया कि आज पहला रोज़ा था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया, तो अब ये दूसरे रोज़े तक आपको रेसिपी मिलेगी। और मैं अपनी बेटियों से कहूँगा कि वो मेरे साथ ही यक आवाज़ होके आज की रमज़ान की मुबारकबाद दें। आप सबको हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक, ठीक है जी। ये है मेरी दोनों बेटियाँ मेरे साथ हैं, और एक हमारी मुस्फिरा खान साहब हैं जो कि शेफ हैं, मेरे साथ आती हैं आपके पास, और दूसरी मेरी बेटी हैं लाइबा खान, एंड आई एम वीडियोग्राफिंग जी। ये मेरे साथ हैं। अब ये देखें, इसका लुक भी देखें आप, कि देखें ये वाइट हांडी है और वाइट हो गई है बिल्कुल, ठीक है। अब ये मैं इसको गार्निश करके आपको दिखा देता हूँ, और ये देखें ऑयल भी हर चीज़ ऊपर आ चुका है। अब ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं, तहसीन सलाम की रिक्वेस्ट थी और हमने पूरी कर ली, और किसी और ने भी की थी, सॉरी नाम नहीं पता, चेक नहीं किया या नाम जहन से निकल गया। और उसके अलावा आप किसी के मेरे पास पर्सनल
फरमाइश थी कि चटनी जो है रमज़ान में हम जो पकौड़ों के साथ चटनी वगैरह खाते हैं वो बनाएं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी उसी के लिए चलेगी। मैं आपको 3-4 तरीके की चटनी बना के दिखाऊंगी जो आप रमज़ान में आराम से आप अपना रमज़ान में खाइएगा। अब हम डिश आउट कर रहे हैं अपनी डिश और बहुत बेहतरीन लग रही है शक्ल से, खुशबू भी बहुत बेहतरीन आ रही है। और अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगी क्योंकि अब तो रोज़ा खुल चुका है तो टेस्ट कर सकती हूँ मैं। हमारी चिकन वाइट हांडी रेडी है, अब मैं इसको टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगी कि कैसी बनी है। बाकी इसकी खुशबू तो बहुत मज़े की आ रही है, बहुत प्यारी। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत यमी लग रही है ये। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।